गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर के आ गया हूँ एक मॉन्स्टर। जी हाँ गाइज, ये कोई बाइक नहीं है, ये एक मॉन्स्टर ही है जो बाइक के रूप में आपके सामने पेश किया गया है। गाइज ये एक भाई की बाइक है जो कि है बांग्लादेश की, ठीक है, यहाँ की नहीं है, इंडिया की। ये बांग्लादेश का एक भाई है। ये जो बाइक है ये है अपाचे RTR 164V। गाइज ये जो है मॉन्स्टर बनाने की कोशिश की गई है। कुछ हद तक ये मॉन्स्टर जैसी लगती है, कुछ हद तक ये हार्ले जैसे दिखती है। गाइज ये जो है भाई पता नहीं क्या करने का कोशिश किया गया है, लेकिन गाइज लाजवाब है। ये जो मॉडिफिकेशन है गाइज ये नेक्स्ट लेवल है। गाइज इसको सोचना और बनाना काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो चलिए गाइज आज की इस वीडियो में इसी मॉन्स्टर के बारे में बात करते हैं, सारी डिटेल में बताते हैं। तब तक गाइज जो आप एक बार लाइक की बटन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज आप एक बार यहाँ नज़र डालेंगे तो गाइज भाई ने कमाल का जो है कलर कॉम्बिनेशन किए हैं स्टिकर्स के साथ, लिमिटेड एडिशन का। और यहाँ पे गाइज बैक साइड में देखें तो पहले भाई ने स्टॉक टेल की जो लाइट है वो लगाई थी, लेकिन अभी वो चेंज कर दिए हैं। कुछ कुछ हद तक इसमें स्टॉक रखने की कोशिश की गई है, जैसे कि इसकी इंडिकेटर। और भाई ने अगर LED वाली अगर लगा देते तो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती लुक, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है, स्टॉक है। और ये जो कलर कॉम्बिनेशन, भाई कलर कॉम्बिनेशन को सोचना और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाता है इस बाइक में। गाइज सामने की व्हील ब्लैक ही रखने दिया और पीछे ऑरेंज, ताकि कलर कॉम्बिनेशन मैच हो जाए। ये गाइज एक यूनिक है, और बाकी जो है आप सामने से देखें तो और भी ज़्यादा मॉन्स्टर सी लुक आ रही है, और LED हेडलैम्प मॉन्स्टर जैसा लुक देती है गाइज। और साइड से अगर आप देखें तो दोनों तरफ से बाइक सेम ही लगती है, स्टिकर दोनों तरफ सेम ही लगा रखी है, बाकी कलर कॉम्बिनेशन भी दोनों तरफ सेम है। अगर राइट साइड से देखें तो एक और चीज़ के ऊपर नज़र जाती है, वो है इसकी एग्जॉस्ट। जी हाँ गाइज ये जो एग्जॉस्ट है, इसकी एग्जॉस्ट के कारण ये इसका लुक और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, क्योंकि इसके साथ स्टॉक वाली जो एग्जॉस्ट है वो अच्छी नहीं लगेगी। तो ये भी जो है एक मॉडिफिकेशन ही है, ठीक है। तो मैं आगे का बात करता हूँ, बाकी गाइज आप खुद ही देख सकते हैं इसमें जितनी भी मॉडिफिकेशंस है वो इंटरनल उतनी ज़्यादा नहीं है, जितने भी मॉडिफिकेशंस है वो एक्सटर्नल है, इसकी लुक को इन्हेंस करने के लिए और यूनिक बनाने के लिए। अगर ये कहीं पे खड़ी है या लगी है तो जो भी रोड में है या फिर कहीं भी है, एक नज़र इस बाइक में ज़रूर जाएगी गाइज। गाइज आपको ये बाइक कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताओ, और लाइक आपने अभी तक नहीं किया है गाइज, वीडियो को आपने पूरा देखा है, पसंद आया है, लाइक के बटन को अभी अभी दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर रख लो आगे का वीडियो देखने के लिए। गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।